हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। गाइस, मैं आपको अपने इस चैनल पे डेली बेसिस पे बेसिक से बेसिक्स मैथ सिखाऊंगा और एडवांस से एडवांस मैथ सिखाऊंगा। तो देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें मैथ तो करनी है लेकिन उन्हें बेसिक मैथ नहीं आती, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें बहुत अटकते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने क्या है, कुछ रूल्स वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं रोज़ क्या डेली बेसिस पे छोटे छोटे रूल बताता रहूँगा जिससे क्या है आपकी मैथ वगैरह स्ट्रांग हो जाए। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या, जैसे मान लो पहला पॉइंट, जैसे किसी नंबर पे इस साइड स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर वो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस में मेरे पास क्या रूट लगता है, ठीक है। वैसे ही इसी में अगर हम दूसरी चीज़ बात करें, अगर कोई एक नंबर है उसके ऊपर रूट है, ठीक है, और उस साइड जाएगा तो क्या मेरे पास उस नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो देखो, फिर अगली बात करते हैं हम, क्या है कि कभी भी किसी प्लस के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे प्लस के नंबर के साथ तो आंसर क्या है, प्लस में आता है, ठीक है। जैसे मान के चलो 2 × 3 = 6, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसमें क्या है मेरे पास, बस मैंने सिंपल सा रूल बताया है, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक मैथ बता रहा हूँ तो ये सारे सारे रूल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, कभी किसी माइनस के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे माइनस के नंबर से तो भी आंसर हमारा क्या है, प्लस में आता है। जैसे माइनस का 2 और इंटू में माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस प्लस का 6 आता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये दूसरा रूल है, ठीक है। देखो, फिर पांचवा पॉइंट में ये है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर माइनस का है और कोई दूसरा नंबर प्लस का है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी माइनस के नंबर को किसी प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या है, माइनस में आता है। जैसे मान लो माइनस का 2 × + 3 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस का 6, ठीक है। ये क्या मेरे पास तीसरी बेसिक चीज़ बता दी मैंने। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ और बता रहा हूँ जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। देखो, कभी भी हम कोई से भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे इस साइड स्क्वायर से रूट में गया प्लस माइनस का और रूट से स्क्वायर में गया, तो वैसे ही अगर कभी मेरे पास कोई नंबर इस साइड माइनस का है अगर वो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे इस साइड माइनस का 2 है, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर इधर मेरे पास कोई नंबर है, इस साइड कोई नंबर अगर मेरे पास जो है इस साइड अगर कोई नंबर मेरे पास प्लस का है, ठीक है, तो उस साइड जाए क्या मेरे पास वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, जैसे इस साइड कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई है, मान लो a इंटू में 2 है, ठीक है, इधर b लिखा हुआ है, इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास अगला पॉइंट, ठीक है। तो देखो, उसके बाद एक लास्ट लास्ट और फाइनल पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास कभी भी